Hello students, welcome to RCI online classes. For online admission, you can call, message and WhatsApp 900145881. Today, our next topic, Avogadro method of measuring the size of atoms. Dear students, हम स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने का ये थर्ड एप्लीकेशन थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं. कौन सा मेथड है? थर्ड मेथड. ध्यान दें, स्मॉल साइज के एटम्स हैं. स्मॉल साइज के एटम्स जो हमें आंखों से नहीं दिखते. देखो, इसको हमें मेजर करना है. ये स्केल है मेरे पास, स्केल को मेजर कर सकते हैं. ये जब आपका ये है, इसको मेजर करने के लिए स्केल है हमारे पास. लेकिन स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स है उनको मेजर करने की अलग अलग मेथड्स हम पढ़ रहे हैं. उसमें थर्ड मेथड है ये अवोगाड्रो मेथड. क्लियर? देखिए, स्मॉल डिस्टेंसेस होती हैं, उसमें फर्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स. स्क्रू गेज क्या कर रहा था बेटा? स्क्रू गेज का और वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है वो समथिंग 0.001 या फिर 0.01. यानी कि इतनी छोटी जो डिस्टेंसेस हैं उनको तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनसे भी जो छोटी डिस्टेंस है उनको मेजर करने के लिए हमने एक और पढ़ा था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या था? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या करता है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 10^-6 मीटर. 10^-6 मीटर का मतलब क्या है? 10^-6 मीटर का मतलब है 1/10^6. नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेते जाएंगे तो 1/10^6. तो इस तरह से इसको, इससे छोटी जो डिस्टेंस है उनको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से मेजर करते हैं. क्लियर? उससे भी छोटी डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 10^-10 मीटर, उनको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? इसको 10^10 मीटर या 10^8 मीटर तक क्या कर देता है? जूम कर देता है. ठीक है, इतना जूम कर देता है डिस्टेंस को. तो जैसे बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है उसको जूम कर देगा, जूम कर देगा तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें उस चीज को क्लियर दिखा देता है. तो ये तो ऑर्डिनरी मेथड है, डायरेक्ट मेथड है. ठीक है, उसी में एक मेथड हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, ओलिक एसिड मेथड. ओलिक एसिड मेथड में क्या था? उसमें हम सॉल्यूशन बनाते हैं. नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है अवोगाड्रो मेथड. अवोगाड्रो मेथड सिंपल, एक फॉर्मूला है जो एटम्स की स्ट्रक्चर है उसकी रेडियस का, और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही जो स्मॉल एटम्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते उनका भी रेडियस कैलकुलेट हो जाता है. फॉर्मूला R=V(N)(2πN)^(1/3). यहां पे टोटल जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. जो स्मॉल m है वो है मास ऑफ द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल हमारा है उसका मास. सेकंड हमारे पास कैपिटल m, कैपिटल एम है मास ऑफ द एटम, जो भी एटम है उस एटम का मास. कैपिटल बी है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है ऑक्यूपाइड उसका वॉल्यूम है. एंड लास्ट है कैपिटल एन, और कैपिटल एन है अवोगाड्रो नंबर. एंड वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो नंबर वी कैन से 6.23 × 23 एटम्स. क्लियर? तो ये थर्ड मेथड था जिससे हम स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स जो है उनकी रेडियस या डायमीटर या उनके साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये थर्ड मेथड जो है यहीं पर शॉर्ट डिस्टेंस के जो मेथड है वो हमारे यहाँ 11th के सिलेबस में कंप्लीट हो जाते हैं. नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम स्मॉल साइज को पढ़ें, स्मॉल लेंथों को पढ़ें, जिसमें क्या होगा? अर्थ से मून की डिस्टेंस, अर्थ से किसी प्लैनेट की डिस्टेंस. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. ये तीनों मेथड आपको पढ़ने हैं. थैंक यू क्लास.